हाँ आप जानते हैं टेलीफोन कैसा होता है आपने मोबाइल देखा है टेलीफोन भी देखा होगा लुक हियर यहाँ पे देखिए ये बिग सा रेड कलर का टेलीफोन है मैं आपको एक और टेलीफोन दिखाती हूँ हम इसको टेलीफोन कहते हैं ये देखिए इसका रिसीवर ऐसे उठाकर और हम बात करते हैं और इस पे जब फोन आता है तो इस पे घंटी बजती है बेल आती है वेन वी आर कॉलिंग ऑन द फोन इट विल रिंगिंग जब हम इस पे फोन करते हैं तो ये बजता है देखिए कैसे बजेगा अभी आप देखना इसमें बेल बजेगी उसे हम कहते हैं द कॉल ऑन टेलीफोन यू यू कैन हियर आप सुन सकते हैं ना इसमें आवाज आ रही है देखा ना आपने टेलीफोन कैसा होता है चलिए अब हम आगे का पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को फिल करेंगे देर इज गिवन वन एक्टिविटी नेम दीज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन डू यू नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन आप जानते हैं कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार के साधन जो एक जगह से दूसरी जगह तक हमारे संदेशों को हमारी बात को या हमारी खबरों को पहुंचाते हैं जैसे टेलीफोन अगर कोई दूसरे देश में है वहां से अगर कोई कॉल आता है हम अपने दूसरे देश में रहने वाले परिचित हैं या कोई भी उनसे बात कर सकते हैं अपने संदेश दे सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन और हमारे कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन होते हैं तो कौन कौन से होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे देयर इज गिवन वन एक्टिविटी जो एक्टिविटी दी हुई है इसमें तो हम सबसे पहले इनके नेम लिखेंगे ये क्या है वॉट इज दिस यस मोबाइल एम ओ बी आई एल ई मोबाइल नाउ व्हाट इज दिस ये क्या है रेडियो रेडियो के थ्रू हम समाचार सुनते हैं बहुत सारी खबरें हमको मिलती हैं। है ना आर ए डी आई ओ रेडियो अब हम इसको क्या बोलेंगे तो आपका फेवरेट है इसपे आप कार्टून भी देखते हो और बहुत सारी मूवीज देखते हो न्यूज देखते हो अभी कोरोना के बारे में हमको न्यूज कहाँ से मिल रही थी रेडियो से टीवी से और मोबाइल के थ्रू भी तो ये क्या है टेलीविजन क्या है ये टेलीविजन टी ई एल ई वी आई एस आई ओ एन टेलीविजन नाउ वॉट इज दिस ये क्या है न्यूज पेपर इसके थ्रू भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना कि हमारे देश में हमारे शहर में क्या क्या हो रहा है एन ई डब्ल्यू एस न्यूज पी ए पीई आर न्यूज पेपर एंड वॉट इज दिस दिस इज कंप्यूटर इसके थ्रू भी हम इंटरनेट इंटरनेट यूज करके इससे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं सी ओ एम पी यू टी ई आर कंप्यूटर अब हम आगे का चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे यू विल रीड आफ्टर Me, I will explain it in Hindi also. Okay, let's start. Akash was very happy to see the new telephone in the house, it was a big red telephone. Akash. हु वॉज आकाश आकाश वॉज हैप्पी बिकॉज क्यूं क्योंकि वो एक आकाश जो है वो कौन था एक लड़का था और वो क्यों खुश था क्यों खुश था आकाश ये ना आकाश क्योंकि उसके घर एक लाल कलर का बहुत बड़ा टेलीफोन आया था नेक्स्ट आकाश वेंट रनिंग टू इट टू प्रेस इट्स कीज एंड कॉल अप फ्रेंड बट हीज मदर स्टॉप हिम क्या हुआ आकाश गया और आकाश दौड़कर गया और टेलीफोन में जो बटन होते हैं ना ये देखिए यहाँ पे जो बटन दिए होते हैं ना नंबर के उसको प्रेस करके अपनी अपने फ्रेंड को फोन करने लगा लेकिन क्या हुआ उसकी मम्मी ने उसको रोक दिया नो आकाश पापा विल टीच यू हाउ टू यूज इट लेट पापा रिटर्न फ्रॉम ऑफिस She said, क्या बोला उसकी मम्मी ने नहीं आकाश पापा तुमको फोन का फोन को यूज करना इस्तेमाल करना सिखाएंगे जब वो ऑफिस से आएंगे तुम उनका इंतजार करो आकाश बिकेम सैड बट ही ओबेट हीज मदर आकाश क्या हुआ आकाश दुखी हो गया लेकिन फिर भी वो अपनी मम्मी की बात का अपनी मम्मी की बात को मानकर रुक गया ही सेट बाय द टेलीफोन ऑल डे क्या हुआ जब तक उसके पापा नहीं आया वो टेलीफोन के पास ही बैठा रहा वाइल हीज मदर वॉज आउटडोर्स पुटिंग द क्लॉथ आप दी क्लॉथ the लाइन द टेलीफोन ring, हां क्या हुआ जब उसकी मदर बाहर थी और कपड़े डाल रही थी बाहर सूखने के लिए तो क्या हुआ फोन की घंटी बजी ट्रिंग। वाइल ही इज मदर वाज आउटडोर्स पुटिंग द क्लोथ अप द दाइन द टेलीफोन रैंग ट्रिंग, ट्रिंग ट्रिंग, ट्रिंग. ट्रिंग, 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 ट्रिंग मींस उसकी घंटी घंटी बजी अभी मैंने आपको दिखाया था ना कैसे फोन की घंटी बज रही थी आकाश लुक्ड अराउंड His mother was not inside the house. He picked up the receiver. kya क्या हुआ आकाश ने देखा अपने चारों तरफ उसकी मम्मी अंदर घर में नहीं थी तो उसने क्या किया रिसीवर फोन का रिसीवर इसको उठाया the voice ऑन द अदर साइड सैड हेलो वॉट इज योर नेम वेयर डू यू लिव जब उसने फोन उठाया था, दूसरी तरफ से क्या आवाज आई कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं आकाश वॉज अबाउट टू तो टेल हिज नेम एंड एड्रेस वेन ही रिमेम्बर्ड वीज पेरेंट्स ने क्या किया आकाश ने उसको अपने घर का एड्रेस बता दिया जो उसके मम्मी पापा ने उसको तो जो उसके मम्मी पापा ने उसको बताया था कि किसी को भी नहीं बताना है बिना उनसे पूछे समझ गए आप लोग जो हमारा फोन नंबर होता है एड्रेस होता है कुछ भी होता है हमारे मम्मी पापा हमको सिखाते ना किसी भी अजनबी को नहीं बताना है तो जो दूसरे साइड से कॉल आया था उसमें जो दूसरा व्यक्ति था वो उससे उसका एड्रेस और फोन नंबर और जो भी था पूछ रहे थे तो आकाश बताने ही आकाश बोलने ही वाला था लेकिन उसको याद आ गया कि उसके मम्मी पापा ने उसको सिखाया था किसी को भी अपना एड्रेस और फोन नंबर नहीं बताना है नेवर टेल ए स्ट्रेंजर योर नेम एंड एड्रेस क्या सिखाया था उसके मम्मी पापा ने कि अपना नेम और अपना एड्रेस किसी भी अजनबी को स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी जिसको हाँ अजनबी का मतलब क्या होता है जिसको हम नहीं जानते हैं. उसको कभी भी नहीं बताना है आकाश डिड नॉट आंसर And cap down the phone. आकाश ने क्या किया आंसर दिया क्या नहीं उसने अपना एड्रेस नहीं बताया और फोन को रख दिया He went running outdoors to tell his mother about the टेली phone call. आकाश क्या हुआ आकाश दौड़कर दौड़कर गया अपनी मम्मा के पास बाहर और उसने बताया जो टेलीफोन कॉल आया था उसके बारे में अपनी मम्मा को बताया नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ चैप्टर चैप्टर का मोरल क्या है कि हमें अपने कोई भी किसी भी तरीके से हमारा एड्रेस या हमारा फोन नंबर कुछ भी पूछे जिसको हम नहीं जानते उसको हमें कभी भी नहीं बताना चाहिए नाउ वी आर गोइंग टू कम्प्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर यहाँ पे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है और उसके तीन आंसर दिए हैं वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर नाउ वी विल कम्प्लीट इट आकाश वॉज वेरी हैप्पी टू सी द न्यू टेलीफोन इन द हाउस द न्यू कार इन द हाउस द न्यू टीवी इन द हाउस वाई वॉज आकाश हैप्पी बिकॉज द न्यू टेलीफोन इन द हाउस आकाश क्यों खुश था क्यूँकी नया टेलीफोन उसके घर में आया था टिकर ओके नेक्स्ट आकाश वेंट रनिंग टू कॉल अप हीज फ्रेंड कॉल अपादर कॉल अप ही सिस्टर आकाश दौड़कर किसको फोन करने गया अपने दोस्त को अपने पापा को या सिस्टर को अपने दोस्त को फोन करने जा रहा था ना जब उसकी मम्मा ने उसको रोक दिया था कि अभी नहीं नाउ टेक केयर पुट साइन ऑफ राइट नाउ थर्ड व्हेन द टेलीफोन रैंक जब टेलीफोन बजा तो आकाश ने क्या किया आकाश टोल्ड हिज नेम टू द स्ट्रेंजर। आकाश डिड नॉट टेल हिज नेम टू द स्ट्रेंजर। आकाश डिड नॉट आंसर एंड केप डाउन द फोन आकाश ने क्या किया हुँ? जब दूसरी तरफ से अजनबी ने उसका एड्रेस पूछा और नाम पूछा तो उसने बताया क्या नहीं उसने फोन रख दिया थर्ड आंसर आकाश डिड नॉट आंसर एंड केप डाउन द फोन नाउ टेक केयर नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दी फिल इन द ब्लैंक्स हेयर इज गिवन सम वर्ड्स वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स ओके लेट्स स्टार्ट Akash was very happy to see the new yes dash in the house telephone first T E L E H O N E telephone now next. नेक्स्ट वन इज आकाश बिकेम सैड बट ही डैश हीज मदर क्या किया आकाश ने वो दुखी था बट उसने अपनी मम्मी की बात को माना सेकेंड ओ बी ई वाई डी ओबेट हीज मदर नाउ थर्ड आकाश looked आकाश ने क्या देखा कहां देखा अपने आसपास थर्ड अराउंड आकाश looked around a r o u n d now last one is he went running outdoors to tell his mother डैश द टेलीफोन कॉल फोर्थ अबाउट किसके बारे में फोन के बारे में बताए ए बी ओ यू टी अबाउट नाव इट्स यो टर्न रीड द चैप्टर केयरफुली एंड लर्न हैव ए नाइस डे